करेगा वो भैया जो हिंदू हित की बात करेगा। और ये एक सूत्र, ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारी घर की औरतें बड़ी बड़ी सुशील और सभ्य हैं, ये वोट को नहीं जाती है। ऐसा सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे गांव की औरतों का क्या होगा? महामूर्खो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। वाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है, और आपकी आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है, पुलिस भी गुलाम है। किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम। शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। अगर धर्म का सारा नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया, कहां के यहां से चले गए, अब आप बताइए। उस समय खुद ताली बजाए थे क्या? महात्मा गांधी सही में गद्दार थे क्या? महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही शब्द उच्चारण किया गया यहां से, और ताली उसे खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आप देख रहे हैं बीएचपीसी न्यूज।